हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आती है आपको सबसे पहले हरियाणा के गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाती है। हरियाणा के अंदर आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, अगर आपके जिले में भी कोई भी भर्ती आती है, कोई भी अपडेट आता है, आपको समय समय पर हर एक जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। उसी प्रकार से एक और न्यू भर्ती का आज हम अपडेट आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। बिजली विभाग के अंदर ये कहाँ पर यह जॉब आई है, हरियाणा में रहने वाली या दूसरे स्टेट में रहने वाली, आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। 22 जिलों में से कोई भी इस भर्ती को अप्लाई कर सकता है। बिजली विभाग में सरकारी नौकरी है, यह भी मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल अच्छी खासी नौकरी मिलने वाली है, परंतु यह जॉब हरियाणा में नहीं है, यह किसी दूसरे स्टेट में है। वहां पर अगर कोई स्टूडेंट जाके काम कर सकता है तो बिल्कुल आराम से सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। बिजली विभाग के अंदर कोई भी स्टूडेंट लगना चाहता है तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। बिजली विभाग में हरियाणा में भी कोई भी जॉब किसी जिले में, सबसे पहले आपको इसी प्रकार से वो भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके नंबर 40 है, 50 है, 55, 60 हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि जो 33 प्रकार की न्यू भर्ती अभी फिलहाल निकल रखी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर, कौन सी भर्ती के लिए आपको कितना स्कोर चाहिएगा, कितने नंबर पर आप कौन कौन सी पोस्टों के लिए अप्लाई करें तब आपका सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में हर एक जानकारी आपको दी जाएगी। अगर मेरा भाई और मेरी बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार आया, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सभी भाई गुरु चरण को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाले अपडेट जो भी होंगे आपको सबसे पहले समय समय पर मिलते रहेंगे। कोई डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो कभी भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट होता है कुछ भी एक्स वाई जेड आपको पूछना हो बिल्कुल आराम से मुझे टेलीग्राम पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं हम उसके भी रिप्लाई करते हैं, जो कमेंट करते हैं हम उसके भी रिप्लाई करते हैं, क्योंकि भाई और बहनों जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं वो आप सभी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। वहां पर बिल्कुल अच्छे से आप कोई भी डाउट होता है आराम से पूछ सकते हैं। तो आइए 22 जिलों से जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, बिजली विभाग में लगना चाहता है, सरकारी नौकरी है, कहां पर ये जॉब आ रही है, एक बार आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताता हूं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मैं बात करने वाला हूं कि पंजाब स्टेट के अंदर इस प्रकार की जॉब आ रखी है। अगर पंजाब में आप बिजली विभाग के अंदर ASSA पर लगना चाहते हैं, टेस्ट मैकेनिक्स पर लगना चाहते हैं, दोनों पोस्टों की जॉब आ रखी है, 433 पोस्टें वहां पर निकल चुकी है। आपको पता है सरकारी नौकरी है, बिजली विभाग में कोई भी स्टूडेंट जाकर पंजाब में लगना चाहता है तो बिल्कुल आराम से काम कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप फौज पुलिस के अंदर भी लगते हैं, दूसरे स्टेट में भी पुलिस की भर्ती में लगते हैं तो वहां पर भी आपको जाके काम करना पड़ता है। उसी प्रकार से पंजाब में जो स्टूडेंट काम कर सकता है बिजली विभाग में, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भरिए। 26 मार्च उस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी। सैलरी आपको मिल जाती है 35,400 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है PSPCL.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां से भी आप खुद भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी पंजाब में रहने वाली है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या डाल रखी है कि 5 मार्च से भर्ती शुरू होगी। आज ही मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, जो भी मेरे भाई गुरुबहन हमसे जुड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले हर एक जानकारी गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर मिल जाती है। कोई भी डाउट होता है बिल्कुल आराम से पूछा करो। इस भर्ती का जो लेटेस्ट अपडेट आ जाए तो आज ही आपको पता चल गया, 5 मार्च से भर्ती का फॉर्म शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट आपकी 26 मार्च रखी गई है। 26 मार्च तक जो भी फॉर्म भरना चाहता है ऑनलाइन फॉर्म भर लेना। एग्जाम डेट इस भर्ती की जो भी आएगी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, और आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको सुबह सुबह मिलती रहेगी। ऑनलाइन जो फीस रहेगी वो थोड़ा सा इसमें ज्यादा रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट भरना चाहता है बिल्कुल आराम से भरिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट होंगे सबकी 1416 रुपए इसमें फीस लगेगी। एससी और पीडब्ल्यूडी वालों का 885 रुपए लगेगा। हरियाणा से जो भी 22 के 22 जिलों से स्टूडेंट किसी भी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं फॉर्म भरेंगे तो 1416 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भरिए आप वहां पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, इसलिए सबके 1416 रुपए फीस लगेंगे। आज ही आपको बता देता हूं ऑनलाइन पैसा पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारी चीजें आपकी होने वाली है। इसके आगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से लेकर 37 साल तक के जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन पा रहे हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर एज में भी छूट चाहिए तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट मिल जाती है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो पोस्टें आ रखी है वो किस प्रकार से रहेंगे, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्टें आ रखी है 408, जिसके अंदर इंजीनियरिंग मांग रखा, डिप्लोमा मांग रखा है रिलेटेड फील्ड से।
अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियर साइड से, 408 पोस्टें आ रखी है, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भरिए। टेस्ट मैकेनिक्स के लिए 25 पोस्टें आ रखी है जिसका अपडेटेड चून डाल रखा है, जिसके अंदर आपका भी डिप्लोमा होना चाहिए या पॉलिटेक्निकल आपके पास में होगा तो वो भी चल जाएगा, नहीं तो ITI ट्रेड जो मैकेनिक साइड से होता है वो बीच में चल जाएगा। कोई भी स्टूडेंट भरना चाहता है बिल्कुल आराम से भर सकता है, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। तो जो भी स्टूडेंट पंजाब में रहकर काम कर सकता है तो बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भरिए, और पंजाब के स्टूडेंट भी इस भर्ती को अप्लाई करेंगे बिल्कुल अच्छे से करेंगे, तो आप भी बिल्कुल आराम से फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा खासा सिलेक्शन है, एक नॉर्मल जॉब आपको वहां पर मिल सकती है, और बिल्कुल हार्ड ऐसा प्रोसेस नहीं इस भर्ती को पाने के लिए भी जो आप सोच रहे हैं दूसरे स्टेट में, बिल्कुल आराम से आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। इस प्रकार के जो भी अपडेट्स आएंगे बिजली विभाग के, आपको कंटिन्यू हम सारे के सारे अपडेट शेयर करेंगे, हर एक जानकारी आपको देंगे। तो भाई गुरु बहनों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का भी फॉर्म भरते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती रहती है, जो भी अपडेट्स आते रहते हैं कंटिन्यू, आपको सबसे पहले हर एक जानकारी मिल जाती है। अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को सुन पा रही है तो आपके जो आंगनवाड़ी विभाग की 4000 जो पोस्टों का अपडेट्स मैंने बताया है, इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको किस प्रकार से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, उसमें हर एक जानकारी दी गई है उस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले वाली आप वीडियो जरूर देखें। और हरियाणा के अंदर जो 33 प्रकार की न्यू भर्ती आ रखी है जिले वाइज, उस जिले वाइज की लिस्ट भी मैंने शेयर कर दी, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रखी है, नहीं तो मैंने वीडियो भी बनाकर डाल रखी है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हर एक जानकारी आपको दे दी जाती है। तो भाई और बहनों, बिजली विभाग के हरियाणा में जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी जिले वाइज भर्ती आएंगे, कंटिन्यू आपको इसी प्रकार से हर एक जानकारी मिलती रहेगी। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जाते जाते एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करते जाना, जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो भाई गुरु बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।